जो कि किया वो गाड़ी आगे लगाया। अच्छा। गाड़ी का हम ब्रेक किए, चाबी खींच लिया। अच्छा। चाबी खींचा था, हम हेलमेट निकाले ऊपर किए। हाँ। तो हेलमेट ऊपर किए, बस जो पीछे आगे जो चला रहा था गाड़ी वो भी उतर गया, पीछे जो था तो पहले उतर के चाबी खींच लिया। अच्छा। और बस वो चाबी खींचने के दौरान उतरा, बोला कि नीचा उतर, नीचा उतर, नीचा उतरे। बस नीचे जो पर्स था, बोला पर्स ला, मोबाइल था अंदर, मोबाइल ले लिया। उसके बाद जो है वो अपना पिस्टल जो है, पिस्टल यहाँ डार में खोस के दो चार बार पीछे से मारा भी, पिस्टल निकाला, बोला कि मार दियो, जैसे गाली गलौज करने लगा, मार दियो। कहे कि मारबो कथिल, जैसे ले ले आब क्यों चिलबो। तो बोला नहीं, तोरा मारिए दे छो तो सलाह जे भी हल्ला करबी। कहे कि हल्ला नहीं करबा, तोरा जे लेक छो ले ला। तो पीठ पर एक मेरा बैग था जिसमें फूड उड खाना लेके जा रहे थे। अच्छा। वो ले लिया। उसके बाद हम उसको भाई मेरा चाबी दे दे ना, गरीब चाबी दे दे ना, करते रहे तब जाकर अपराधी भी बढ़िया ना है। ये सलाह जन्मते कीड़ा एक है जो समाज का कहते हैं गंदा नाली का कीड़ा वो है। तो वो इस पर क्या करें कि जो सलाह पनक रहा है इसको जड़ से मिटा दें अभी ही, तो आगे चल के वो नहीं कुछ कर पाएगा। चलिए बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। बेगूसराय में अपराधी का लगाम इतना बेलगाम हो गया है कि अब बेगूसराय में जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय भी सुरक्षित नहीं है। इनके पास जो भी सामान था, फूड था, जो ऑर्डर पहुंचाने के लिए जा रहे थे वो था, वो भी छीन लिए। इनके पास स्मार्टफोन था और लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया के करीब इनके पास कैश था, वो भी छीन लिया है। ये घटना कल रात करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। अभी हमारे साथ डिलीवरी बॉय मौजूद है, उनसे हम जानेंगे और ये जो घटना हुई है इन सभी का सच्चाई हम आप सभी दर्शकों तक साझा करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रभूषण कुमार। क्या हुआ आपके साथ कल रात 7:30 बजे? कल बेगूसराय से एक ऑर्डर लेकर आए हम खातोपुर। खातोपुर में ऑर्डर देके हम यहीं पे रुके हुए थे चौक पर। तो एक यहाँ का ढोसा प्लाजा है पेट्रोल पंप के पास। अच्छा। वहाँ का ऑर्डर आया और वहाँ हम जब ऑर्डर रिसीव करके हम वहाँ से डिलीवर के लिए निकले तो वहाँ मेरा लोकेशन भी दिखा रहा था छोटी एक का। अच्छा। यानी कि आपका ऑर्डर गिरा ढोसा प्लाजा से। हाँ। और आपको ऑर्डर पहुँचाना था छोटी एक। हाँ। तो हमको मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो लोकेशन जो हमको दिखा रहा था नज़दीक का, ये बांध वाला रास्ता सीधे निकल जाता है छोटी एक पान गाछी के पास। अच्छा। तो हमको लोकेशन में ये मिला, हम वहाँ से निकले और बाजितपुर थाला पे हम एक जगह रुके। वहाँ पे 2-4-5 ग्रामीण व्यक्ति थे जो बूढ़े बुजुर्ग टाइप का, उनसे पूछे कि चाचा ये रास्ता निकल जाएगा ना सीधा? अच्छा। वो बोले कि हाँ इधर से सीधे निकल जाइए, चला जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी बोले कि यही रास्ता सीधे चले जाइए ग्रामीण रूट, ये भी आपको थोड़ा लेकिन दूर पड़ेगा। अच्छा। लेकिन लोकेशन के हिसाब से हम देखे तो हमको ये नज़दीक पड़ रहा था। अच्छा। और जो 2-4 शुभचिंतक थे वो भी बोले कि इधर से निकल जाइए। हम वहाँ से निकले और बाइक सवार, वहाँ से बाजितपुर ढाला से हम करीब 200 मीटर आगे बढ़े, एक बाइक सवार एक दो व्यक्ति था पीछे से आ रहा था, बड़ी स्पीड में आ रहा था। बड़ी स्पीड में आ रहा था बाइक सवार। हाँ। कौन बाइक से थे वो लोग? स्प्लेंडर ब्लैक कलर का। हाँ, ना जी, समझ लीजिए ब्लैक कलर के स्प्लेंडर से दो बाइक सवार युवक बड़ी तेजी से आ रहे थे, शायद इनको पीछा करते हुए आ रहे थे जी। हम, हाँ। हमको लगा हो सकता है कोई स्पीड में है वो निकल रहा है। अच्छा। तो इधर सोचे कि ओवरटेक कर रहा है कोई, स्पीड में जाना चाह रहा है, उसको कोई अगर मतलब वो जा रहा था जाने के लिए आ रहा था। ऐसा बहुत सा ओवरटेक होते रहता है सड़क पर, तो उसके लिए कोई नॉर्मल हुआ था। अच्छा। तो उधर से निकल गया, बगल से आया और हमारे एक गड्ढा था, गड्ढा के में हम साइड किए, बस आगे से आके बाइक में सटाया, रोक दिया और एक पीछे से उतरा, मेरा बाइक का चाबी खींच के। अच्छा। रख लिया। अच्छा, आप गड्ढा था उसमें आप स्लो किए गाड़ी को। हाँ। और पीछे वो भी आपके गाड़ी के समीप जो है लगा दिया और पीछे से गाड़ी से उतर सटा दिया। एकदम गाड़ी में सटाया। उसके बाद क्या हुआ? हम हेलमेट लगाए तो हम हेलमेट खोले और उसके बाद जो है वो चाबी खींच के रख लिया। और जैसे ही आप हेलमेट खोलते हैं वो जो है चाबी खींच लेता हूं, जो कि किया वो गाड़ी आगे लगाया, गाड़ी का हम ब्रेक किए चाबी खींच लिया। चाबी खींचा था, हम हेलमेट निकाले ऊपर किए, तो हेलमेट ऊपर किए, बस जो पीछे आगे जो चला रहा था गाड़ी वो भी उतर गया, पीछे जो था तो पहले उतर के चाबी खींच लिया। अच्छा। और बस वो चाबी खींचने के दौरान उतरा, बोला कि नीचा उतर। बस नीचे जो पर्स था, बोला पर्स ला, मोबाइल था अंदर, मोबाइल ले लिया। उसके बाद जो है वो अपना पिस्टल जो है, पिस्टल यहाँ डार में खोस के 2-4 बार पीछे से मारा भी। अच्छा, मारपीट भी किया। रात में आप इस रास्ते में अकेले, सुनसान रास्ते में आप अकेले जा रहे? हाँ, अकेले। उस तो आपके साथ मारपीट भी मारपीट किया और हेलमेट लगाए हुए थे इसलिए ज्यादा सर में चोट उट नहीं आया, लेकिन वो पीछे से मारपीट किया, पीठ उठ पर जो लगा। उसके बाद पिस्टल निकाला, बोला कि मार दियो, जैसे गाली गलौज करने लगा, मार दियो। कहे कि मारबो कथिल, जैसे ले ले आब क्यों चिलबो। तो बोला नहीं, तोरा मारिए दे छो तो सलाह जे भी हल्ला करबी। कहे कि हल्ला नहीं करबा, तोरा जे लेक छो ले ला। तो पीठ पर एक मेरा बैग था जिसमें फूड उड खाना लेके जा रहे थे। अच्छा। वो ले लिया। उसके बाद मोबाइल ले लिया, पर्स में पैसा था वो ले लिया। उसके बाद उसको खूब रिक्वेस्ट करने लगे, भाई उसमें कागज है हमारा, आधार कार्ड पैन कार्ड ये दे दे। तो कुछ दूर जाने के बाद आधार कार्ड वाला जो ऊपर में जो
उसका जो खटाल बना रहा था तो खाली था, वो निकाला सीधे हमको फेंक दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड एटीएम कार्ड जो था मेरा फेंक दिया। उसके बाद जो कुछ दूर आगे बढ़ा था हम उसको भाई मेरा चाबी दे दन, गाड़ी की चाबी दे दन करते रहे, तब जाके आगे जाके चाबी फेंक दिया। अच्छा, चाबी फेंक, बाइक का चाबी खींच करके आगे जाके ऊपर पास में रख लिया था। अच्छा, पास में रख लिया। जब जाने लगा तब उसको कुछ दूर दौड़ के बोले तब चाबी जाके फेंक दिया। अच्छा, चाबी फेंक दिया तो हम चाबी तब जाके उठाए, फिर हम वापस गए चौक के पास। तो चौक पर जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे और जो रोड का जो संचालक जो जाते आते रहे उनको रोके उके सब बात को, सब बात का किए कि मेरा गाड़ी लूट लिया, मेरा पैसा लूट लिया। उसके बाद जो है कुछ शुभचिंतक वहाँ पर रुक के उसके बाद 112 नंबर पर डायल किए। अच्छा, जैसे ही आपके साथ छिंतई जैसी घटना का अंजाम दिया जाता है उसके बाद आप कुछ लोगों से मिलते हैं। हाँ। और डायल 112 पर कॉल घुमा देते हैं। हाँ, कॉल क्या प्रशासन तुरंत में आई या फिर लेट कर? 10 मिनट के अंदर आए तुरंत, 10 मिनट। हाँ, वो बात हुआ उनसे। अच्छा। उसके बाद वो तुरंत 10 मिनट में आए। एक SI थे विनोद कुमार, 1 स्टार है, वो आए और उनका ड्राइवर था, तुरंत आए। उसके बाद वहाँ का सारा चीज हम लोग का क्या क्या लिया नहीं लिया वो सारा चीज अपना नोट कर लिए टैब में। उसके बाद बोले चलिए स्पॉट पर, बाइक हम वहीं छोड़ के स्पॉट पे आए, वहाँ सारा विजिट विजिट कर लिए, आगे 1 किलोमीटर तक गए वो भी साथ में। अच्छा। उन्हीं के गाड़ी से हम आए, फिर उसके बाद बोले कि आप एक काम कीजिए जाके थाना में उसका सूचना दे दीजिए। तो रात में हम पहुंचे थाना पर, करीब 8:30 बज गया था। तो थाना पर जो मुंशी जी थे वो बोले कि आप सुबह में आइए मोबाइल का पेपर लेके और जैसा होता हम कार्रवाई करते हैं। तो उसके बाद वहाँ से हम फिर निकले तो ढोसा प्लाजा में गए, उनको बोले कि हमको कंपनी से बात करवाइए। अच्छा। तो मैनेजर छुट्टी पर था, जो स्टाफ थे वो अपना भी कोशिश किया लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया उनसे, यानी कि टीम लीडर के द्वारा कुछ नहीं हो पाया। टीम लीडर वो नहीं थे जो बेगूसराय में हर एक जिला में टीम लीडर दिया जाता है, तो टीम लीडर का था ना कुछ दायित्व, दायित्व था। टीम लीडर का भी नंबर मेरे मोबाइल में ही था। अच्छा। तो उनको सूचना हम नहीं दे पाते इस कारण कि मेरे पास नहीं कोई नंबर नहीं था, लेकिन वहाँ ढोसा प्लाजा में हम जाकर उनको सूचना दिए तो बोले मैनेजर साहब कहाँ हैं, उनको कहिए कंपनी से बात करने। अच्छा। के लिए तो मैनेजर साहब वहाँ नहीं थे, छुट्टी में थे। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो बोला कि भैया हम कोशिश किए लेकिन हमसे नहीं हो पाया। तब जाके हम वहाँ से फिर घूर के गए तो चिलआउट पड़ता है GD कॉलेज के सामने, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर हम लोग का जो जितना भी डिलीवरी बॉय वहाँ पर रुकते हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ से लेके हम अपने फील्ड कोच जो है उनको सूचना दिए, वो बोले ठीक है कल सुबह में चलेंगे थाना पे आपके साथ। उसके बाद उनको भी कोई और काम आ गया था तो थाना पर साथ में नहीं आए। उसके बाद हम आए हैं करीब 2 बजे के समथिंग, जाके थाना पर रिपोर्ट दिए हैं, आवेदन बोले हैं देने के। ये बताइए इससे पहले भी आपके साथ इस तरह की घटना हुआ है? नहीं अभी तक तो नहीं। और कोई बेगूसराय में और भी बहुत सारे डिलीवरी बॉय है, कितने टोटल? 60-70 के 60-70 बेगूसराय जिला में 60-70 जो है डिलीवरी बॉय है, जो कि बेगूसराय के 5 किलोमीटर रेडियस में ही है, 10 किलोमीटर रेडियस में ही है 60-70 डिलीवरी बॉय काम करते हैं। और लोगों के साथ इस तरह की घटना हुआ? हाँ, होता है, होता है। आज से कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट का मामला आया था जो कपसिया चौक पर था। अच्छा। एक हमारे ही पार्टनर डिलीवरी पार्टनर था जिसका वो पैर मतलब टूट गया, विकलांग एक तरह से हो गए। आज से करीब 1 सप्ताह या 10 दिन पहले एक डिलीवरी बॉय के ऊपर ये क्या कहते हैं ट्रक के द्वारा कुचल दिया गया था, आपको पता होगा इस न्यूज के बारे में। तो लमसम ऐसा घटना होते रहता है और जिसपे कंपनी अब जो भी क्लेम दे या चाहे जो, तो बाद की बात है, लेकिन सुरक्षा के नाते हम देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है, यानी कि अब डिलीवरी बॉय सुरक्षा नहीं, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब कितना घंटा आप काम करते हैं? 12 घंटा 10 घंटा करते हैं जी लमसम। सुबह में कितना बजे आते हैं? सुबह में 11 बजे से हम लोग ऑनलाइन होते हैं। अच्छा। उसके बाद रात्रि 10 बजे तक करते हैं, कभी किसी दिन कम हुआ तो उस दिन 11 बजे तक भी कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन जितना भी हमको साइड एरिया है तो हमको सेफ नहीं लग रहा है, सेफ नहीं लग रहा, एकदम नहीं लग रहा। एक दिन में कितना कमाते हैं? 500-700 ऑर्डर पे डिपेंड करता है, किसी दिन 800-1000 रुपया भी हो जाता है, किसी दिन जो आपका 400-300 रुपया भी हो सकता है। 400-300 क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? सबसे पहले तो जो मेरा सामान लूट हुआ है उसको एरिया प्रशासन के हिसाब और कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरा उस सामान रिकवर करिया जाए। जो सामान आपसे छिनतई की गई है वो सब सामान का आप डिमांड कर रहे हैं, प्रशासन कहीं से ढूंढ करके दिलाए। हाँ, और इस तरह का जो भी अपराधी है उनको लिस्ट करके उसका उचित जो कार्रवाई होता है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हमको ये थाना प्रभारी जो अभी जो है वहाँ पर प्रमोद कुमार के नाम से हैं, बहुत अच्छे इंसान लगे। अच्छा। कि उतना भीड़ होने के बावजूद भी थाना पर हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किया वहाँ का मुंशी जी जो है। आपको क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? भरोसा तो है, अब बोले हैं कि हम किसी भी हाल में आपका जो सामान हुआ है
वो आपको हम निकाल के देंगे। प्रशासन आश्वासन दिए हैं कि किसी भी हालत में आपका सामान जो छिनतई हुआ है हम ढूंढ निकाले। हाँ हाँ, जिला प्रशासन से ही कहेंगे कि हमारे पुलिस कप्तान जो बेगूसराय जिला का है, तत्कालिक इस मामले में वो कार्रवाई करें कि जो इस तरह का उचक्का है, व्यक्ति है, चाहे चोर उचक्का है, काहे कि उसको हम तो बढ़िया शूटर भी नहीं खा सकते, वो अपराधी बढ़िया ना है, ये साला जन्मते कीड़ा एक है जो समाज का कहते हैं गंदा नाली का कीड़ा वो है, तो वो इस पर क्या करें कि जो साला पनक रहा है इसको जड़ से मिटा दें अभी ही, तो आगे चल के वो नहीं कुछ कर पाएगा। चलिए, बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस डिलीवरी बॉय, जो कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय भाई साहब है, इनके साथ जो दुर्घटना हुई है, इनके बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाकी आप लोग भी बताइए कि जो कौन सा है ये जगह, ये 45 गुप्ता बांध कहलाता है, वार्ड नंबर 45 गुप्ता बांध। बाकी आप लोग भी कहिए गुप्ता बांध नंबर 45 का जो ये बांध है, ये रास्ता कितना सेफ है, और इन ये जोमेटो बॉय भाई साहब के साथ जो घटना हुआ है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।